रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल-ओ-कुशी पर आज आलमी बिरादरी का मुजरिमाना खामोशी और अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा का अज़्म-ए-मुअत्तल होना, अमरीका और रूस और चीन जैसे दुनिया के ठेकेदार मुल्कों की आवाज न निकलना, बर्मा के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के जरिए हुकूक इंसानी की सरासर खिलाफ वर्जी, आलमी बिरादरी और हुकूक इंसानी कमीशन को मुंह चिढ़ाने के मुतराबित है। वो रोहिंग्या मुसलमान जिनके सारे हुकूक सल्ब कर लिए गए, वोट डालने का अधिकार नहीं, हथियार रखने की इजाजत नहीं, हुकूमत के बगैर मर्जी के शादी नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दुनिया की सबसे मजलूम और कमजोर तरीन रोहिंग्याई मुसलमान बर्मा हुकूमत और आलमी बिरादरी को खतरा है, मगर ये बात अक्ल तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान में पाकिस्तान के मुहाजिर, बांग्लादेश के मुहाजिर, नेपाल के मुहाजिर और दीगर मुल्कों के मुहाजिर रहते हैं। उन मुहाजिरीन उनको मुहाजिरीन का दर्जा दिया दे रखा है, मगर भारत सरकार रोहिंग्याई मुसलमानों को मुहाजिरीन का दर्जा देने को तैयार नहीं है। दीगर मुहाजिरीन की मदद भी की जाती है और ये लोग हुकूमत पर बोझ बने हुए हैं, बल्कि नेपाल के मुहाजिरीन के जरिए तो हमारे देश को खतरा हो रहा है। नेपाली मुहाजिरीन के साथ तैयारा इजवा कर मसूद अजहर को छुड़ाने वालों से ताल्लुक निकला, उनसे हुकूमत को कोई खतरा नहीं, जबकि रोहिंग्याई मुसलमान मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे हैं। हुकूमत पर किसी भी तरह के बोझ नहीं है, इसके बावजूद भारतीय सरकार के लिए खतरा बने हुए हैं। जबकि बांग्लादेश की मुतनाज़े मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन यहां की मुहाजिरीन बन सकती है, तो रोहिंग्या मुसलमान क्यों नहीं? मैं भारत सरकार से मुतालबा करूंगा कि वो बर्मा में अमन की बहाली के लिए मौसर कदम उठाए और जब तक के लिए यहां रोहिंग्या मुसलमानों को मुहाजिर का दर्जा दिया जाए। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा को अफगानिस्तान में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी नजर आई, इराक में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी नजर आई, लीबिया और शाम में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नजर आई। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार अमरीका अमन के नाम पर इंसानियत के खिलाफ नंगा नाच खेला गया। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा को बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल-ओ-कुशी और उनका सफाया, हुकूक-ए-इंसान की धज्जियां बखेरना नजर नहीं आ रहा।
क्या अक्वामे मुत्तहिदा ईसाई दुनिया की कठपुतली है? क्या अक्वामे मुत्तहिदा अमरीका का रखेल है? अगर नहीं तो अक्वामे मुत्तहिदा से पुरजोर मुतालबा करूंगा कि वो तत्काल बर्मा में अमन फौज भेजे। रोहिंग्या मुसलमानों की बर्मा की शहरियत दी जाए, उनकी जान व माल की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और दोबारा उनको आबाद किया जाए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। लेगा जमाना खून की हर बूंद का हिसाब, लेगा जमाना खून की हर बूंद का हिसाब। जालिम को कत्लेआम से थकने तो दीजिए। जमीयत वाला माए हिंद, जमीयत वाला माए हिंद, हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जमीयत वाला माए हिंद।